आज राष्ट्रीय विद्यार्थी मंच द्वारा एसआरके कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कॉलेज में ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है, जिसमें छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूली जाती है, क्योंकि वेबसाइट जो बनाई गई है उसमें पोर्टल चार्ज के नाम पर 40 रुपये लगभग बच्चे से व्यय किया जाता है। उसके बाद भी साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो 100-100 रुपये एक एक रजिस्ट्रेशन करने के ले लेते हैं। हमने प्राचार्य जी से मांग की है इसको जो प्रक्रिया है उसे या तो पूर्णतः ऑफलाइन कराएं या अपने जो 250 रुपये हैं उसी के अंतर्गत छात्रों के प्रवेश जो प्रक्रिया है उसको किया जाए। और वेब रजिस्ट्रेशन जो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ाकर डबल कर दी है। विद्यार्थी मंच मांग करता है छात्रों पर अतिरिक्त भार ना बढ़ाया जाए और जो फीस प्रक्रिया है उसको पूर्णतः पहले की भांति किया जाए। नहीं, बच्चों ने ये बताया है कि इनसे कुछ अतिरिक्त वसूली कहीं हो रही है, तो ये मैं आश्वस्त करता हूँ किसी भी प्रकार की महाविद्यालय प्रशासन में अतिरिक्त वसूली के लिए अगर ध्यान इधर दिलाया गया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि महाविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से अतिरिक्त धन वसूली में नहीं है, जो बच्चों की फीस ली जा रही है वो निर्धारित प्रक्रिया से ली जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसी के तहत आवेदन चालू है। दूसरा, इन्होंने ध्यान दिलाया है वेबसाइट, तो वेबसाइट भी करेक्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्रवेश है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी कि महाविद्यालय प्रशासन बच्चों के साथ खड़ा होगा।